Hello friends, welcome to my video session on gravitation. In this video, we are going to solve numerical of this chapter. So, let's begin. हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, उसके फार्मूलाज। तो यहाँ पर कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करेंगे, आज उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से फार्मूलाज का यूज़ करेंगे, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे पहले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलाज देख लेंगे जो कि हम लोग को आगे भी यूज़ में आएगा। ठीक है, तो बेसिक फार्मूलाज क्या है, वो है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पर मैंने पहले तीन इक्वेशंस आपको दे के रखे हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन है, फिर ये तीन इक्वेशंस है। तो ये जो तीन इक्वेशंस है, ये बहुत ही बेसिक इक्वेशंस है, ये बहुत ज़्यादा जगहों पर आपको काम भी आएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको ए दिख रहा है, उसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, जी रख देंगे। क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब हम लोग इन तीनों को यूज़ कहाँ पर करने वाले हैं, ग्रेविटेशन में करने वाले हैं, इसलिए हम लोग ए की जगह पे क्या रखेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में चेंज करेंगे। ठीक है, इन तीनों को हम लोग ने क्या किया, इन तीनों में चेंज किया। और इन फॉर्मूलेस का यूज़ कहाँ पर होगा, कहाँ पर, फ्री फॉल वाले न्यूमेरिकल्स में। इन तीनों फार्मूलाज का यूज़ कहाँ पर होगा, फ्री फॉल वाले न्यूमेरिकल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्री फॉल वाले न्यूमेरिकल्स होते क्या है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, किसी प्लानेट से कुछ ऊंचाई पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे और उसके बाद उसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे वर्टिकली अपवर्ड, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री फॉल वाले टर्म बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर हम लोग कौन कौन से फार्मूले यूज़ करेंगे, ये तीनों फार्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी में v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन, या फिर g का मतलब भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। फिर सेकेंड वाले में क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर s का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, 1 अपॉन टू g का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, t का मतलब वापस से टाइम। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। ठीक है, ये तीनों फार्मूला समझ में आ गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर ये तो हम लोग के पुराने फार्मूले हो गए जिससे हम लोग ने नया फार्मूला बनाया। ठीक है, ये पुराने फार्मूले से उससे हम लोग ने क्या किया, नया फार्मूला बनाया। यहाँ पर कुछ नया किया क्या, नहीं किया। ठीक है, ये तो पुराने फार्मूले को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर नए फार्मूले कौन कौन से हैं, तो नए फार्मूले यहाँ पर तीन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो पहला फार्मूले में क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही पहचाना, ये कौन सा फार्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसका ये फार्मूला है। ये फार्मूला क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम आर स्क्वायर। यहाँ पर बड़ा एम किसको रिप्रेजेंट करता है, बड़े ऑब्जेक्ट को, छोटा एम छोटे ऑब्जेक्ट को, या फिर आप लोग बोल सकते हो बड़ा एम अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और छोटा एम किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया पहला फार्मूला। फिर सेकेंड फार्मूला क्या है, सेकेंड फार्मूला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, जिसका हम लोग ने पहले भी बात किया है, उसको निकालते कैसे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और तीसरा क्या है, वेट का, वेट के लिए फार्मूला है, या फिर फोर्स के लिए फार्मूला है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट के लिए फार्मूला है, वो क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो हम लोग ने बात कर लिया फार्मूले के ऊपर, चलो अभी पहले न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग का पहला सम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव न्यूमेरिकल्स का ए है, ये क्या है न्यूमेरिकल। तो ये एक सम क्या बोलता है, ये सम बोलता है एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन प्लानेट। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लानेट है, ठीक है, कोई प्लानेट है, उससे 5 मीटर हाइट पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसको 5 मीटर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, क्या फाइंड करना है, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ जी। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्या निकालेंगे, पहला निकालेंगे हम लोग गिवन, क्या निकालेंगे, गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो ये टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकेंड। तो पहला हम लोग को पता है t इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। टाइम कितना आ रहा है, 5 सेकेंड। कितना आ गया, 5 सेकेंड।
ठीक है, और ये कितने ऊंचाई पे है, कितने हाइट पे है, 5 मीटर की। तो हम लोग हाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, एस। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 मीटर। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, जी इज इक्वल टू कितना। ठीक है, अगर हम लोग 5 मीटर हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर यू का वैल्यू क्या होगा, यू का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर हाइट से ड्रॉप करने वाले हैं। ठीक है, ड्रॉप करेंगे तो पहला उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसका हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर यू कितना ले लेंगे हम लोग, 0। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि फॉर्मूला क्या यूज़ होना चाहिए, न्यूटन के। ठीक है, ये फ्री फॉल वाले सब में है। ठीक है, तो फ्री फॉल वाले इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे जो हम लोगों को ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा यूज़ करें हम लोग, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा यूज़ करें, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग वैल्यूज रखते हैं इसमें। तो पहला एस का वैल्यू कितना है, 5, यू का वैल्यू 0 इंटू टी, ठीक है, प्लस 1/2, जी का वैल्यू नहीं मालूम और टी का वैल्यू कितना है, 5 सेकेंड, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे तो ये 5 का 5 रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, 0 इंटू एनीथिंग 0। ठीक है, तो 1/2 जी और 5 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, 25/2 जी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 25/2 जी। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म है उसको इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/25 इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को 25 से कट करेंगे। ठीक है, ये इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो ये हम लोग आ गया था जी का वैल्यू 2/5। जब हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.4, कितना आ जाएगा, 0.4। और कभी भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो उसका यूनिट लिखना पड़ता है, तो जी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग एक्सेलरेशन का कभी भी यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, कोई भी एक्सेलरेशन हो तो उसका वैल्यू यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का आंसर आ गया, यही हम लोग का फाइनल आंसर है, हम लोग का पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट। चलिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 का B। इसमें क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ प्लानट ए इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लानट बी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए क्या है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, हम लोग उसके साथ साथ गिवन भी निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ अ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, क्या दिया है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ अ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, पहला हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 RA, या फिर 2 रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड लाइन में क्या दिया है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, वॉट मस्ट बी द मास ऑफ बी। ठीक है, अगर प्लैनेट ए का मास एम ए है तो वॉट मस्ट बी द मास ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, वॉट मस्ट बी द मास ऑफ प्लैनेट बी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ हम लोगों को क्या दिया है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, वैल्यू बी का वैल्यू क्या है, हाफ है किसका, जी ऑफ ए का हाफ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ए का हाफ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 GB/GA। ठीक है, हम लोग ने क्या किया है, इस 2 को उस साइड लेके गए और कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, इस सब में हम लोग किन 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, इस सब में हम लोग बात कर रहे हैं रेडियस की, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की और मास की, किन 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, रेडियस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मास, और ये 2 प्लैनेट के बीच में, कोई अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, GM/R2। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अच्छा, इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लैनेट ए पे लगाएंगे, फिर प्लैनेट बी पे लगाएंगे, ठीक है? पहला प्लैनेट ए पे और फिर प्लैनेट बी पे। तो ठीक है, पहला प्लैनेट ए पे लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ एम, ठीक है? अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ए का निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एम ऑफ ए अपॉन आर स्क्वेयर ऑफ ए, ठीक है? अभी यहाँ पर साइड बाय साइड किसका निकालेंगे, जी ऑफ बी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एम बी अपॉन आर स्क्वेयर ऑफ बी, ठीक है? यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये दोनों हम लोग साइड बाय साइड निकालते हैं, ठीक है? तो जी ऑफ ए में क्या दिया हुआ है, जो जी ए है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 2GB के बराबर है, ठीक है? 2GB यहाँ पर हम लोग रखते हैं, जी एम ए अपॉन आर स्क्वेयर ए, ठीक है? और इस वाले में क्या है, जो आर स्क्वेयर बी वो किसके बराबर है, 2RA के बराबर है, ठीक है? यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा चेंजेस करते हैं, वो किसके बराबर है, 2RA, किसके बराबर है, 2RA, ठीक है? अभी इस 2 को इस साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी बी इक्वल्स टू जी एम ए अपॉन आर स्क्वेयर ए, ऐसा हो जाएगा। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है? इक्वेशन 1 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। चलो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है? दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इस साइड इसके भी GB है, इसके इसके भी इस साइड GB है, तो इसको हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, जी एम ए अपॉन आर स्क्वेयर ऑफ ए, ठीक है, ये स्क्वेयर है, ठीक है, इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर स्क्वेयर ऑफ 2R² ऑफ ए, ठीक है? ये दोनों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इस साइड हम लोग लेके गए, तो 2 यहाँ पर भी होगा, 2 यहाँ पर भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पर 2 है, इस वाले 2 को हम लोग यहाँ पर लेके गए थे, तो ये 2 यहाँ पर होगा और ये 2 यहाँ पर, ठीक है? तो अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो कंपेयर करने के साथ साथ हम लोग कट भी करना स्टार्ट करते हैं, तो जी यहाँ पर भी कॉमन है, जी यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है? आगे जाते हैं, तो एम ए अपॉन 2R² ऑफ ए, ठीक है? अभी यहाँ पर एम बी अपॉन ये 2, ये पूरे में हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4R ऑफ ए, ठीक है, R² ऑफ ए, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अभी थोड़ा इस साइड आ जाते हैं, ठीक है, लाइन खींच के इस साइड आ जाते हैं। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ पर लिख लूँ, तो यहाँ पर भी R² ए है, यहाँ पर भी R² ए है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, क्या करेंगे, R² ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन 4, क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन 4। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस 4 को इस साइड लेके आ जाएंगे, क्या करेंगे, इस 4 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2 एम ए इज इक्वल टू एम बी, क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2 एम ए इज इक्वल टू एम बी। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे, तो क्या बचेगा, इधर 2 एम ए इज इक्वल टू एम बी। देखो दोस्तों, हम लोग का वैल्यू आ गया, ठीक है, एम बी का वैल्यू कितना आया है, 2 एम ए, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, तो हम लोग का वैल्यू आ गया एम बी का, ठीक है फ्रेंड्स? आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स?